જેડીયુના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી કેસી ત્યાગીએ વડોદરામાં પત્રકાર પરિષદ યોજી છોટુ વસાવા પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. જનતા દળ યુનાઇટેડે ગુજરાતની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પોતાના ઉમેદવાર ઉભા રાખ્યા છે. ઝઘડિયા બેઠક પરથી ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી તરફથી છોટુભાઈ વસાવાએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે, ત્યારે જનતા દળ યુનાઇટેડે પણ અન્ય એક છોટુ વસાવાને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. જેડીયુના છોટુ વસાવા બે દિવસથી ગાયબ થઈ ગયા હોવાથી જેડીયુના મહામંત્રી કેસી ત્યાગીએ તેમના ઉમેદવારને બીટીપી દ્વારા અપહરણ કરાયું હોવાની શંકાને આધારે પોલીસ તપાસ કરવાની માંગ કરી છે. સાથે તેમણે જાટ, મરાઠા અને પાટીદારને અનામત આપવાની તરફેણ કરી છે. કોંગ્રેસ પણ પાટીદાર યુવાનોને ભરમાવી રહી હોવાનું જણાવ્યું હતું. સાથે ગુજરાત સરકારે ખેડૂતો ઉદ્યોગો માટે અલગ બજેટ ફાળવ્યા હોવાની તરફેણ કરી હતી. વિરોધ નહીં કરી શકતા, ના કોંગ્રેસ પાર્ટી કરી શકતી, માફ કરના, ના ભાજપ કરી શકતી. ચૂંકિ મેં ભાજપ કે ખિલાફ ભી 5 બાર ઉનકે ચુનાવ પ્રચાર મેં આયા હું, ઓર બીજેપી જો શાસક પાર્ટી હૈ ઉસકે ના ઉમેદવાર કી હિંમત હોતી થી ઓર ના પાર્ટી કે નેતાઓ કી હિંમત હોતી થી કે ઉસકે ગાંવ કે આસપાસ વોટ ભી માંગને ચલા જાય. મેં ઓર શરદ યાદવજી એક હપ્તા ઉસકે ગાંવ મેં રહે, તભી એ મુજકો જાણકારી મિલી કે 10 કિલોમીટર તક અગર કોઈ ઉસકા વિરોધી પાર્ટી કા આદમી ઉસ ક્ષેત્ર મેં પ્રવેશ કરતા હૈ તો પતા નહીં ક્યા સિસ્ટમ હૈ, ઉસકો પતા લગ જાતા હૈ કે કોઈ આદમી ઉધર ઘુસા હૈ. ઇસી સંદર્ભ મેં મુજે યે કહેના હૈ કે બાકાયદા 10 પ્રસ્તાવો કે સાથ હમારા જો ઉમેદવાર થા ઉસી નામ કા છોટુ ભાઈ વસાવા નામ કા ઉસને પરચા ભરા, વો હમારી પાર્ટી કે જો અધ્યક્ષ હૈ જયંતીભાઈ પટેલ इनके पास गया. हमारी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज हैं गुजरात के, अखिलेश कटियार, इनके पास गया कि मैं नामांकन करना चाहता हूं उस क्षेत्र से. तो उसको कई बार हम लोग देखते थे मीटिंग वगैरह में कि ठीक है, उससे पूछा कि डरोगे नहीं है, डरूंगा नहीं मैं, और चुनाव लड़ोगे, लड़ूंगा. ઉસને પરચા ભરા, 10 આદમી ઉસકે સાથ વો થે જો નોમિનેશન કરાને વાલે હોતે હૈ ઓર કુછ ઓર લોગ ભી સાથ થે. પરચા ભરતા હુ અપના, લેકિન ઉસને કહા મેં લો કી મેં કેમ્પેન કરૂંગા. એ તો ન્યૂઝ પેપર મેં ભી આપ લોગો ને દેખા હોગા, આઈ રેડ ઇન ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ ઇન દિલ્હી ધ ડે બિફોર યસ્ટરડે. અબ વો હમારા ઉમેદવાર 3 દિન સે ગાયબ હૈ. उसकी पत्नी से पूछा, उसके परिवार वालों से पूछा. अब जो ट्राइबल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं छोटू भाई बसावा, उन्होंने प्रचार कराया है कि वो हमारे समर्थन में बैठ गया है और मुझको जबरदस्ती खड़ा किया गया है. तो जबरदस्ती तो तब कोई उम्मीदवार खड़ा होता है जब उस पर प्रस्तावक भी हम दे रहे हैं, पर्चे पे साइन भी हम लोगों ने किए हूँ. वे स्वेच्छा से कचहरी में जाता है अपने धूम धड़के के साथ, लोग उसके साथ हैं, पर्चा भरता है. मेरा भरूच की जो पुलिस प्रशासन है उस पर आरोप है कि वो छोटू भाई बसावा की मदद में है. कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि हमारा उम्मीदवार 3 दिन से गायब है, जिसकी आज हम FIR भी दर्ज करा रहे हैं. और हमारी डिमांड है कि ताकत है भरूच की पुलिस प्रशासन में तो छोटू भाई बसावा को गिरफ्तार करे उसके अपहरण के केस में, और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत हर उम्मीदवार को चुनाव की अपनी नामजदगी का अधिकार है, प्रचार प्रसार का अधिकार है, कैसे उसके इस फंडामेंटल राइट से उसको डिप्राइव किया जा रहा है. और इतना ही नहीं, जो हमारा यूथ का अध्यक्ष है, क्या नाम पूरा, शाहिद मंसूरी, शाहिद मंसूरी, इट इज ऑन रिकॉर्ड, मुझको उसकी जान बचाने के लिए गृह मंत्री जो मिस्टर जडेजा हैं उनको फोन करना पड़ा दिल्ली से. नीतीश कुमार पर्सनली स्पोक टू मी कि उसकी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए. जिस दिन वो छोटू भाई बसावा से अलग होता है उसको धमकी दी जाती है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है डर की वजह से. तब नीतीश कुमार जी के इंटरवेंशन से मैं जडेजा जी से जिंदगी में पहली बार टेलीफोन पे बात करता हूँ, भाई आपकी सरकार है, हम दिल्ली में आपके सहयोगी हैं, हमारा जो यूथ का अध्यक्ष है
वो अस्पताल में भर्ती है। अब उसको एक हफ्ते से सुरक्षा के तहत, आई एम थैंकफुल टू मिस्टर जडेजा, उसने उसको पुलिस की सुरक्षा दी है, तो वहां पर फ्री फेयर पोल नहीं हो सकता। उसकी गाड़ियों पे भी हमला किया, गाड़ियों पे हमला किया यूथ वाले पे। जो यूथ का प्रेसिडेंट है वो इस समय है नहीं, वरना मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा था। तो मैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे मैं कल किसी और मामले में मिला था, मैं कल दिल्ली जाकर के उनसे बात करूंगा, हालांकि कल चुनाव है, इसलिए आपके जरिए मैं चीफ कमिश्नर से भी, इलेक्शन कमिश्नर से भी के संज्ञान में लाऊंगा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए और टेलीग्राम के जरिए और ईमेल के जरिए। लेकिन इस समय मैं आपके जरिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर फ्री फेयर पोल करना है तो छोटू भाई बसावा ऑफ ट्राइबल पार्टी मस्ट बी अरेस्टेड इमीडिएटली। देर विल बी नो इलेक्शन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। भाई पांच बार से भाजपा की सरकार है, उसके लोग कैंडिडेट जाते नहीं है वहां वोट मांगने, मैं तो उसके साथ रहा हूं इसलिए आपसे कह रहा हूं। और जो गुजरात के इलेक्शन कमिश्नर है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे लोग मिलेंगे भी दोनों नेता हमारे, कि फ्री फेयर पोल करना है अरेस्ट मिस्टर बसावा इमीडिएटली, अदरवाइज देर विल बी नो फ्री फेयर पोल। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन तो इसी में हो जाएगा। एक तो हमारा इमीडिएट कंसर्न ये है, आए तो थे हम और बातों के लिए, लेकिन इन्होंने कल भी संपर्क किया, अब पता लगा कि उसके उसका एक झूठा बयान जारी करा रहे कि उसने हमें समर्थन दे दिया है। जो आदमी पर्चा भरने जा रहा है दफ्तर में, जो आदमी इनसे टिकट मांगने जा रहा है, जो 100 लोगों के साथ हमारे अखिलेश कटिहार से मिल रहा है कि हमें टिकट दिला दीजिए, हम पता लगाते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, अब वो दो दिन से न उसकी पत्नी को मिल रहा है और न किसी और आदमी को मिल रहा है, इसलिए हमने एक रिक्वेस्ट तो आपके माध्यम से ये की है। दूसरा, इस चुनाव प्रचार में